हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुड़ी बिंदास। कैसे हो आप सब? आज है 31 दिसंबर 2023 का आखिरी दिन। और हमेशा जब भी मैं टीवी पर देखती थी कि टॉप न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर ईव्स, फायरवर्क्स, ये सब कहाँ होता है, तो उसमें एक बुर्ज खलीफा का नाम होता था। ऑलवेज वॉन्टेड टू विजिट देयर एंड विटनेस दैट फायरवर्क्स एंड काउंट डाउन। अनफॉर्चुनेटली आज काउंट डाउन तो हम नहीं देख पाएंगे बुर्ज खलीफा का, क्योंकि इस बार बुर्ज खलीफा जाने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उस एरिया में रेस्टोरेंट्स हेल एक्सपेंसिव कर दिए, लाइक 5000 दिरहम पर हेड। तो वहाँ से बैठ के हम काउंट डाउन नहीं देख पाएंगे, बट न्यू ईयर है तो फायरवर्क्स तो देखेंगे ही। चलो काउंट डाउन ना ही सही, तो इसलिए हमारे फ्रेंड्स ने वहीं पर पास में डाउन टाउन बुर्ज खलीफा के काफ़ी पास में एक जो एयरबीएनबी बुक कर रखा है, तो और वहीं पर गेम वेम खेल के 12 o'clock से थोड़ा पहले हम आ जाएंगे नीचे और देखेंगे फायरवर्क्स। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि दुबई का फायरवर्क्स कैसा है। आज एक और चीज़ मैंने देखा, जैसे हम इंडिया में जब न्यू ईयर होता है तो कैसा धुंधला धुंधला सा वेदर रहता है, ठंड होती है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, पर यहाँ का भी वेदर देख रहे हो आप, लुक एट द वेदर, एकदम बादल ही बादल है। पता नहीं बारिश भी तो नहीं होगी। अभी बज रहे हैं 5:30-7 बजे तक, तब तक थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तभी हम निकलेंगे। ठीक है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन। फाइनली हम निकल गए घर से फायरवर्क्स देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारे सारे दोस्त खड़े हुए हैं, हमें ये इस जगह उतार दिया गया है, और यहाँ से आगे की सारी रोड क्लोज है, तो हमें यहीं पर उतार दिया गया। पीछे है बुर्ज खलीफा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस से जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ से फायरवर्क्स देखना है। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, हम बस 2 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ेगा। तो अभी ये हुआ कि मैं बना रही थी ब्लॉग, और ये मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ आए थे वो सारे मुझे छोड़ के ऊपर चले गए, और मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये बुर्ज खलीफा यहाँ से लोग मेट्रो स्टेशन कैसे ओपन है, तो पता चला इसके ऊपर से क्रॉस करने के लिए ओपन है। A few moments later. तो बात ये थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम 5 लोगों की भीड़ जो है ना, हमने वो कम की है बुर्ज खलीफा से। वो बचपन से मतलब देखते हैं ना टीवी पे, अभी फिर हम टीवी पर ही देखेंगे, मुझे पक्का भरोसा है हम बुर्ज खलीफा का तो फायरवर्क देखेंगे नहीं। बिकॉज तो इतनी जनता आई हुई है यार, इतनी जनता आई हुई है। सो अभी हम मनीष का हमें कौन सा फायरवर्क फाइनली 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अटलांटिस, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या मनीष, सोचा था ना क्या? कि बहुत कम लोग आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, कंपैरेटिवली तो काफी कम है। हाँ रौनक है ना, बहुत कम लोग हैं वैसे तो बट लोगों को इधर भी पता है तो भीड़ ना, उसकी पार्किंग के भी लगा रखी है लोगों ने तो गाड़ियाँ। हाँ देख लेंगे, पर हम फायरवर्क है ना, हम दोनों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। आज तो साला जहाँ भी जाओ वहीं पे भीड़ है, मतलब लोगों को पता है कहाँ से फायरवर्क देखना है। जहाँ हम सोच रहे हैं भाई इस जगह थोड़ी शांति मिलेगी, वहाँ से देख लेंगे, वहीं पे रश है। A few moments later. So, अभी पहुँच गए हैं अटलांटिस के पास, मतलब पाम में। तो हमने सोचा यहीं से हम फायरवर्क्स देख लेंगे, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज बुर्ज खलीफा पे बहुत ज़्यादा रश था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, वहाँ पे बहुत रश था। And this place is actually very good and good decision by Manish. काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने बता ही दिया कि हम अटलांटिस पहुँच गए देखने के लिए। हमारे बाकी फ्रेंड्स जो अभी भी बुर्ज खलीफा साइड ही हैं, वो लिटरली वो पिक जहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर बैठ के देखने वाले हैं फायरवर्क्स। थैंक्स टू मनीष हम यहाँ पर आ गए, और मनीष मेरे पीछे आ गया, थैंक यू। मैं देखो बोल रही थी मैं व्लॉग में, तो बोलेगा ओके, तो यही करता है मेरे व्लॉग में सर, ओके ठीक है। अभी हम किधर जा रहे हैं फिर? ओके, हम दुबई आई का फायरवर्क्स देखेंगे, बुर्ज अरब का देखेंगे, और किसका देखेंगे? और किसका? तूने बोला ना नंबर 2, 3, 4, 5, तो बता तो सही। बुर्ज का भी दिखेगा, बुर्ज अरब का दिखेगा, अटलांटिस का दिखेगा, अटलांटिस का दिखेगा, और दुबई आई का दिखेगा अगर हम रिश्ता पहुंचेंगे। ओके, इट्स ऑलरेडी 11:50, राइट 52, सो वी हैव 8 मिनट्स एंड वी नीड टू
get a space here as well to witness the fireworks. Basically, this is a point where Atlantis. And this is Burj Al Arab. 2, 1. So beautiful. Oh, lovely. Oh, दोनों साइड हो रहा है यार, कहाँ देखा जाए. मोहित दूर में देखो, बुर्ज खलीफा का भी है. ओ बुर्ज खलीफा एक्सप्लोजन, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक लाइक अ फ्लावर, राइट? ब्लूमिंग फ्लावर. खलीफा को जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया हो रहा है. बट हमें रिग्रेट नहीं हो रहा ना, बुर्ज खलीफा अगर नहीं देखा. yes. क्योंकि बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है दूर पे, तो वहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है. अच्छा ही है. तीन चार जगह भी देखो, सारे देखो एक बारी में, सारे सारे साल के शौक पूरे हो गए. Oh, look at this. Oh, there go, there go, there go, there go. Bottle. There's a bottle. Drone show, na? Drone show. मजा आया? Happy New Year. मजा आया? तुम लोग आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें लगा हम miss कर जाएंगे, और हम miss कर जाते. But तेरे को मजा आया? बहुत मजा आया. Thank you. It's 12:26 and हमने सारे के सारे fireworks देखे, जितने भी साइड के fireworks हो रहे थे हमने देखा. It feels so surreal. And यहीं पर ना Atlantis और बीच में एक ब्रिज है, बिकॉज ये पाम है, तो पाम में हर एक पाम ट्री का वो स्टेम्स बना हुआ है, तो उसके बीच में एक ब्रिज है. हम उसके ऊपर खड़े हो गए थे, और वहाँ से एक साइड पे दुबई आई दिख रही थी, और अटलांटिस द रॉयल अटलांटिस द पाम, और दूसरी साइड पे बुर्ज अल अरब, जो कि मैंने पहले भी बता दिया. तो वो दोनों साइड के फायरवर्क्स दिख रहे थे. इट वाज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, सो सरियल. इट वाज सो ब्यूटीफुल. लाइक वो कहते हैं ना, टिक मार्क करना, टिक मार्क. और एट द सेम पॉइंट पे हमें बुर्ज खलीफा भी दिख रहा था, प्लस एक और शायद अल सीफ पे भी फायरवर्क्स हो रहा है, तो वो भी दिख रहा था. एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. काइंड ऑफ आई टिक मार्क्ड अ थिंग फ्रॉम माई बकेट लिस्ट, जो बचपन से देखते हैं ना, दुबई का न्यू ईयर सबसे बेस्ट होता है. एंड वन मोर थिंग, वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, तो वो चीज़ थी कि जो व्हील दुबई आई थी, मतलब व्हील था उसके पास, लेज़र जो चल रहा था, जहाँ पर हमें काउंटडाउन भी देख गया, तो हमने काउंटडाउन भी देख लिया, प्लस लेज़र शो भी देख लिया, जहाँ पे बॉटल से चेयर्स बन रहे हैं, मैंने वो भी वीडियो में दिखाई है. तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया. टिकमार्क हो गया, और फाइनली यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, पीछे पूरी गाड़ियाँ देख सकते हो, इसलिए हम वेट कर रहे हैं बैठ के कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाए, फिर हम निकलेंगे यहाँ पर से. सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देख के, मतलब एक बार देख लिया मज़ा आ गया, मतलब टिकमार्क हो गया. और फिर हमेशा तो इतनी भीड़ में आने का पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मुझे लगता है डे बाई डे ना इस जगह पर भी भीड़ बहुत होने वाली है. हमने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया था ये बुर्ज खलीफा का फायरवर्क्स देखने का, और वो भी हमने प्लान बनाया था कि हम
बीएनबी जो बुक किया है, जैसे कि मैंने शायद ब्लॉग के शुरू में बताया था कि बीएनबी बुक किया है, वहीं पर हम जाएंगे और वहीं पर गेम्स खेलेंगे, चिल मारेंगे, और जैसे ही 12 बजने वाले होंगे हम नीचे आके बुर्ज खलीफा का फायरवर्क्स देख लेंगे। तो वो सब तो हो नहीं पाया, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर आ गए। तो अभी हमें यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, और बुर्ज खलीफा पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ से ज़्यादा वहाँ पे इतने सारे रूल्स थे कि कपल्स हैं तो उधर जाने के लिए देंगे, दुबई मॉल में एंट्री देंगे, कपल नहीं है तो दुबई मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। रोड ब्लॉक्स थे, शेख जायद रोड ब्लॉक थी, बुर्ज खलीफा के आसपास जो भी रोड थी सारी ब्लॉक थी, मतलब हर जगह पुलिस जाने नहीं दे रही थी, तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थे वहाँ पर, तो हम पहुँच ही नहीं पाए उस जगह पर भीड़ की वजह से। तो हमारे फ्रेंड सारे वहीं पर रह गए, अभी हम यहाँ से जैसे भी होगा वहाँ पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे और देखते हैं, उनसे पूछते हैं, हम अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, वो अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, हम उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, और हम मेरा एक्सपीरियंस तो आपको पता लग ही गया। मनीष देखो कैसा लगा, बहुत बढ़िया। रौनक, मज़ा ही आ गया, मजा ही आ गया, 2, 3, 4, 5 देख के मजा ही आ गया। वन भी दिखा भाई, वन वन बहुत छोटा था, 0.1 ये पूरा। और सुपर ग्रेटफुल टू मनीष फॉर पिकिंग दिस ब्रिज मैन, लाइक गॉट टू सी, करेक्ट, बट आई वाज एनकरेजिंग हिम टू लेट्स गो टू द ब्रिज, ऑब्वियसली ही स्पॉटेड द प्लेस एंड आई सेड नो लेट्स वॉक। मोटिवेशन इज व्हाट ब्रॉट दिस हियर, राइट? सो यस, ग्रेटफुल टू यू एज वेल। या यू शुड बी, आई ग्रेटफुल टू मोहित बिकॉज़ यू नो नीड टू बैलेंस दिस शिट, if it's too like one side then it's like not funny. Oho mere dole chadaiya di tenu khabar ki main ho ve aa jaave dil tera pura bhi na ho ve badi badhaiya di acha the next day guys to basically raat ko hum aane mein bahut late ho gaye the, matlab 5 baj gaye the, kafi zyada traffic tha, to hum apne friend se bhi nahi mil paaye और हम डायरेक्ट घर आ गए। ये बात तो ज़रूर है कि एक एक्सपीरियंस होता है जिसको सबको एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए एक बार लाइफ में, बट हाँ बहुत भीड़ होती है, अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है तो रेडी रहो, स्पेशली डाउनटाउन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ हम गए वहाँ पे इतनी ज़्यादा लकीली हमें भीड़ नहीं मिली, क्योंकि शायद वहाँ पर इतना ईजिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ कैब के थ्रू ही जा सकते हो, तो लोग शायद नहीं जाते वहाँ पर ज़्यादा, बुर्ज खलीफा से निकल के अटलांटिस के पास चले गए, तो वो अच्छा डिसीजन था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, हैप्पी न्यू ईयर गाइज, आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ एवरीथिंग टू यू, पॉजिटिव थिंग्स टू यू, ठीक है? आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, मैं इस साल बहुत सारे व्लॉग बनाऊंगी, दैट आई कैन प्रॉमिस यू गाइज, और अभी हम बहुत सारी स्टोरीज भी शेयर करना शुरू करेंगे, जैसे बहुत लोग इंटरेस्टेड है कि हम यहाँ पर दुबई में कैसे आए, दुबई में कैसे सेटल हुए, तो ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करूंगी, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, अनकंडीशनल लव।